मैच में आज सर एक ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ पे हमने एक पॉइंट में हमारी जो 7 पॉइंट की लीड थी वो गवा दी थी। उस सिचुएशन में आप क्या सजेशन कर रहे थे टीम को, जहाँ पे एक ही एक दो पॉइंट का ही लीड बाकी था हमारी टीम के पास? हाँ देखो, टीम तो पूरा मैच बहुत अच्छा खेली है, दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही थी और दोनों एक दूसरे पे प्लानिंग करके आई थी। बट जहाँ पे हम गलतियाँ कर रहे थे ना, मेन गलती क्या हो रही थी कि हमने रेडिंग में ज़्यादा पॉइंट दे दिए उनको, वो टच नहीं मार रहे थे, खाली फेक मूवमेंट करते थे तो मेरा डिफेंस जल्दी टूट रहा था। सो वो ही गलती जैसे इन्होंने ठीक की, पॉइंट देना बंद किया एडवांस जाके, सो मैच फिर कंट्रोल में आ गया। देखो स्ट्रेटजी प्लानिंग तो आपको हर मैच में करके आनी पड़ेगी, नहीं तो प्रो कबड्डी में आप 12 टीमें हैं, एक ही जैसी सिमिलर तो नहीं है कोई भी टीम, सभी एक से बढ़कर एक टीम है और सभी टीमों में बैलेंस है रेडिंग का, डिफेंस का। तो आपको किस टीम के अंदर राइट के रेडर ज़्यादा अच्छे हैं या किस टीम में लेफ्ट का डिफेंस अच्छा है, उसके हिसाब से आप अपनी टीम को तैयार करके लेके आते हैं। और वही प्लानिंग थी हमारी कि रेडिंग के अंदर ज़्यादा हम फजल पे कंट्रोल करेंगे कि फजल ज़्यादा कैच ना कर पाए, उसको जितनी देर हो सके बाहर रखेंगे। सो बाकी तो सेम था कि दोनों टीमें खेलने आई हैं, वो भी कैच करेंगे और हम भी पॉइंट लेंगे, सो यही था। सर मेरा सवाल जयदीप और आपसे दोनों से है कि आप शुरुआत में डुअल डाइव पे खेल रहे थे, क्या वो थोड़ा एक डिफेंसिव मूव लगता है कि शुरुआत में डुअल डाइव पे आप खेल रहे थे और न्यूट्रल सिचुएशन था, ऐसे नहीं कि किसी को बेनिफिट मिल रहा था, तो क्या एक वो थोड़ा डिफेंसिव मूव कह सकते हैं उसको? बिल्कुल, कोच साहब ने जो हमारी प्लानिंग बनाई थी आज हमने कि भाई थोड़ा रुक के और थोड़ा डिफेंस पे खेलना है, तो हम उस पर प्लान था ये हमारा कि हम बिल्कुल रुक के खेलेंगे, आराम से खेलेंगे और थोड़ा डिफेंस पे खेलेंगे, हम उस पर खड़े उतरे और नतीजा आपके सामने। फॉलो कि क्या उसका असर गेम पे पड़ता है, मतलब क्या ऑपोजिशन ऐसे सोच सकते हैं कि ये डिफेंसिव है तो हम थोड़ा एग्रेसिव अगर बन जाए तो शायद ये मतलब मेंटालिटी या एक रिदम नहीं पकड़ पाएंगे, मतलब क्या क्या उसका डाउनसाइड भी क्या हो सकते हैं? देखो दूसरी टीम का डिफेंस जब आप प्लानिंग करके जाते हैं कि कॉर्नर बहुत अच्छे हैं, कवर बहुत अच्छे हैं, अगर आप हर रेड में ट्राई करेंगे तो आप रेडिंग में फेल होने के चांस ज़्यादा हैं आपके, स्टार्टिंग मैच बहुत नीचे लग जाएगा। सो आपको रेडिंग के अंदर थोड़ी कंट्रोल रखना पड़ेगा कि वो डिफेंस चढ़कर ना खेले आप पे, आपको जहां मौका मिले वहां पे पॉइंट लें, अदरवाइज आप डू एंड आई पे ट्राई करें, क्योंकि उनका सेम प्लान था, वो भी डू एंड आई पे जा रहे थे, सो हम भी डू एंड आई पे जा रहे थे। उसमें यही है कि एक दूसरे डिफेंस को आप ज़्यादा चांस नहीं दे रहे हैं और कोशिश रेडर की ये रहती है कि एडवांस कैच करने आए सो मैं स्किप करके या जंप करके पॉइंट ले जाऊँ। सो उनके रेडर की भी सेम प्लानिंग थी और हमारे रेडर की, लेकिन जिसकी डू एंड आई टूटी है वही टीम लीड में गई है। जब हमारी टूटी डू एंड आई तो हम लीड में गए, जब उन्होंने डू एंड आई तोड़ी अपनी रेड तो वो डिफेंस अच्छा कर गए और रेडिंग अच्छा कर गए उस टाइम पे। देखो सभी का देखने का नजरिया है कोच की साइड, लेकिन कोच का जो फर्ज है मैं मानता हूँ, जैसे मैं सारी अपनी लाइफ कबड्डी खेला हूँ, या जब टीम नीचे लगती है तो आप कोच की साइड ही देखते हैं और उस टाइम कोच नीमी पाके बैठ जाएगा ऐसे करके, तो आप प्लेयर पे बहुत उसका असर पड़ता है, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। जितना एग्रेशन कोच दिखाता है मेरे को लगता है प्लेयर के अंदर उतनी एनर्जी आती है, वो उतनी एनर्जी से खेलता है कि मेरा कोच अब तक हार नहीं मान रहा है तो वो उठता है, चाहे 20 नंबर की लीड भी क्यों ना दूसरी टीम की हो। बट अगर कोच अग्रेशन नहीं दिखाता, हौसला नहीं देता अपने प्लेयर्स को, मोटिवेट नहीं करता हर जगह पे, तो फिर आप अच्छा नहीं कर पाते। और कोच भी तभी अच्छा करता है जब टीम अच्छा करती है, तो मेरे को लगता है दोनों का तालमेल है। सो बाकी सभी का अपना अपना नजरिया देखने का। देखो सर, पहली बात तो उस टीम में कोई कमी नहीं है, हमारी टीम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, वो सबसे कॉस्टली डिफेंडर हैं लीग के उस टीम में, काफ़ी कॉस्टली रेडर्स हैं उस टीम के अंदर, सो ब्रैटी देते हैं वो आपको लेफ्ट और राइट के अंदर, इतने अच्छे अच्छे रेडर्स हैं, इतने अच्छे डिफेंडर हैं। बट जब आप प्लानिंग करके आते हैं कि किस रेडर पर हमें कैसे खेलना है, वो उस टाइम मोहित नंदल बहुत अच्छा करके दे रहा था, बट जब
उन्होंने चेंज किए हैं प्लेयर, तो लेफ्ट साइड के रेडर उतारे हैं या दूसरे रेडर को लेके आए हैं। सो फिर वैसे प्लेयर की जो आपने दूसरे आपके प्लेयर्स हैं उन्होंने प्लानिंग की है कि किस पे कौन जाएगा, कहाँ पे जाएगा, सो उस में थोड़ा सा आपको फिर मोहित को सेफ रहना पड़ेगा। थोड़ा हाँ डिफेंस में हमारी गलती हुई थी तो मतलब दोनों लग गया था तो मैच बराबर आ गया था, तो हमने वहाँ रखा था कि थोड़ा जो कैच होती होंगी उनको भी हम थोड़ा अवॉइड करेंगे और थोड़ा सेफ खेल लेंगे, तो हमने इसलिए थोड़ा अवॉइड किया था। ऐसा कुछ नहीं था कि प्रेशर में है और कुछ नहीं था, पर हमने थोड़ा अवॉइड किया था जो कैच है और हमने जो प्रॉपर कैच थी उन पर टैकल किया बस। हाँ थोड़ा हाँ मैच अगर बराबर होता है तो थोड़ा प्रेशर होता है, थोड़ा प्रेशर होता है, तो मैं भी काफ़ी अच्छे रेडर हैं, आप देख रहे हो सोनू जागलान कितना अच्छा करके दे रहा है, काली है राकेश कितना अच्छा कर रहा है, तो थोड़ा प्रेशर में हो जाती गलती, तो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं था। देखो एक अच्छा मैच हुआ, कम बैक भी किया, लेकिन डिफेंस में भी एक दो गलतियां हुई, और जहां सिचुएशन टर्निंग पॉइंट की थी रेडर ने वहां पे जहां स्कोर देना चाहिए था टीम को रेडिंग में वहां मिस्टेक हुआ, अदरवाइज एक राकेश जो दो पॉइंट थे वो बिल्कुल स्लो हो गया वहां पे, उसने आगे टच मार के बिल्कुल स्लो हो गया, वो वहां पे वो दो पॉइंट आ जाते तो मैच विन हो गए थे, और लास्ट में सोनू की जो रेड थी इसमें भी पॉइंट आ जाते तो हम मैच विन होते, तो ऐसी सिचुएशन थी कि किसी सिचुएशन किसी भी तरफ मैच जा सकता था, और वो अगर कैच हुआ तो फिर वो मैच उनके पक्ष में चला गया। नहीं नहीं जो हमारी प्लानिंग है कि हम फर्स्ट जो है ना डिफेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, उसी हिसाब से हमने टीम फीड की थी, और अब राकेश को हम सोच रहे थे कि भी राकेश को हम ज़्यादा रेड करें, दो रेडर के साथ एक नवी बक्स ऑलराउंडर उस हिसाब से खेलें, तो जब रेडर की रिक्वायरमेंट थी तो उसमें चेंज किया हमने। This is a match. We had a lot of substitute, and it is a very normal when I play not good. So coach have to substitute me, and that time I thought that maybe we change the cover. That is better. This is very normal in Kabaddi. We had a lot of substitute. देखो लेफ्ट वाला जो था अरकम ने एडवांस टच खाया तो वो भी चेंज करना ज़रूरी था, और हम ये सोच रहे थे कि दोनों कवर एक एक साथ चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो जबकि हम जो प्रैक्टिस करते हैं जो लास्ट ईयर जो गेम खेले थे तो उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में वो सोचते हैं कि हाँ हो सकता है नेक्स्ट में उसमें सेट हो जाए, अदरवाइज गेम तो जो वो भी बेस्ट खेला है लास्ट में पिछली बार वो भी अच्छा खेला है, तो सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से डिफेंडर दोनों को चेंज करते हैं। नहीं नहीं ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, वो भी उसके माइंड से बोलता है कि भाई हाँ उसको चेंज कर लेते हैं या जो भी रिक्वायरमेंट है तो प्लानिंग करके खिलाते हैं। इट वाज नॉट प्रेशर फॉर मी, वी हैव इन द ड्यूरिंग द मैच वी हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स, व्हेन सम योर प्लान्स नॉट वर्किंग और सम योर प्लेयर नॉट प्लेइंग गुड, so very normal we one player substitute as normal। देखो आप एक एक साथ तो सारे प्लेयर चेंज नहीं कर सकते, आप अगर एक साथ सारे प्लेयर जब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आप पूरे प्लेयर चेंज कर दोगे
तो कहीं ना कहीं उनको सेट होने के लिए भी 2-3 मिनट लगते हैं, और उस क्रिटिकल सिचुएशन में आप एक मैक्सिमम 2 पोजीशन चेंज कर सकते हो, आप सारे प्लेयर तो चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने अरकम सेट नहीं हो रहा था, एडवांस टच खा रहा था, इसलिए अरकम को की जगह हम बालाजी को लेके आए। तो हो सकता है अगर हम उसको भी हम चेंज करते, हो सकता है वो आते ही एकदम प्रेशर में आ जाए, क्योंकि मैच उस सिचुएशन में है कि पूरा प्रेशर होता है डिफेंस पे भी कि भाई अब इक्वल पॉइंट है, 2 पॉइंट ना चले जाएं, बोनस प्लस ना चले जाए, तो उस सिचुएशन में एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चेंजिंग होता है। अगर कोई भी लास्ट टू लास्ट मैच सोनू एक भी पॉइंट नहीं है, अब आप बोलते हो उसको स्टार्टिंग से उतारो, राकेश मेन स्ट्राइक रेडर है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने पॉइंट नहीं दिया, तो जो रेडर जो खेलते हैं, जो प्रैक्टिस में बेस्ट करते हैं, जिसने पहले बेस्ट किया है उसी को तो फीड करोगे ना। अब जो सारे रेडर बैठे हैं, अब 8 रेडर तो नहीं खेल सकते, कितने रेडर खेलेंगे टीम में, मैक्सिमम 3, तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, प्रायोरिटी किसको दोगे आप बताओ, जो मेन रेडर उसी को देंगे, उसके बाद किसको, सेकंड ऑप्शन किसके, वो जो उससे बेस्ट होगा उसके देंगे। अब ये तो अभी आप ये बताइए मुझे, जो हरियाणा ने सीएम को लिया, क्या वो बाहुबली से अच्छा है, तो बाहुबली बार है, उस सिचुएशन के हिसाब से गेम फीड होती है टीम, ऐसा नहीं कि अगर एक प्लेयर आज अगर 8 पॉइंट ले आया तो भैया कल उसे वही खेलना चाहिए, ऐसा नहीं होता, टीम गेम है, ठीक है, कभी मूवमेंट है डिफेंस का, कभी उसकी जो अब नया रेडर है उसके मूवमेंट पता नहीं, तो वो सोचते हैं कि यार हाँ इससे हम अवॉइड करा, उस सिचुएशन में वो निकल आता है कई बार, तो रेडर टू रेडर डिफेंस करता है कि भाई हम किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम किस रेडर को फीड करें, किस डिफेंडर को फीड करें। There was not more option. You know that time when another team playing do or die, your radar should be success. In our defense, we were success because Haryana played just do or die and we didn't have a more option. First rate, empty rate, second rate, empty rate, they come. So that time, our radar should be success. If your radar will be success, you have a chance to win. अब हम पूरे मैच पे तो अब उस पर नहीं जा सकते। एक सिचुएशन ऐसी थी, अगर राकेश के वो 2 पॉइंट आते तो हम मैच विन कर रहे हैं, सोनू के ये पॉइंट आता तो हम मैच विन कर रहे हैं, अगर राकेश आउट हो गया तो वो मैच विन कर गए, सोनू की कैच होगी तो वो मैच विन कर गए। तो उस सिचुएशन में अगर आप बोलो कि यार उस टाइम विकास को भेजना था, अगर विकास भी कैच होता तो पहले तो आपने बोला सोनू को खिलाओ, क्योंकि सोनू से विकास से ज्यादा सोनू का प्रेशर है उस सिचुएशन पे, तो डिफेंस उसको अवॉइड करेगा, हो सकता है विकास जाता तो ले आता पॉइंट, लेकिन भविष्य का तो किसी को नहीं पता ना, बस वो था। नहीं, फर्स्ट हाफ में तो चली गई लीड, उसका कोई वो नहीं, उसके बाद इक्वल भी हो गया, उसके बाद गेम हमारे कंट्रोल में भी आ गया। आप ये देखो कि 3-4 ऐसी सिचुएशनें आई जो उनके पक्ष में गेम चला गया, एक टेक्निकल पॉइंट दे दिया, अदरवाइज गेम इक्वल होता अभी लास्ट में, टेक्निकल पॉइंट दे दिया, जबकि वो मेरे हिसाब से एज ए कोच वो टेक्निकल पॉइंट नहीं बनता, वो टेक्निकल पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चल रहा है, उसमें हमने प्लेयर चेंज बाहर से ही आया ना, तो आपने गेम स्टार्ट तो नहीं किया है, तो पॉइंट क्यों दिया आपने, वो कह रहे हैं कि वो बाहर चला गया, वो तो अंदर आया ही नहीं अभी, वो तो अंदर आया ही नहीं है ना, तो उस सिचुएशन में उन्होंने आउट दे दिया, वो एक हमारे टीम खिलाफ गया, अदरवाइज मैच इक्वल होता, राकेश पॉइंट लिया था तो हम मैच विन हो गए थे, 2 पॉइंट, दो प्लेयर बच जाते उनके, एम बोनस दे के पीछे हो जाते, फिर लोना लग जाता उनको, तो बाई लक मैं यही कहूंगा कि आज लक था उनका, अदरवाइज 3-4 सिचुएशन ऐसी आई कि हम मैच विन कर सकते थे। For me, nothing special. For me, every season, every city, I have a fans. For me, it's very normal. After 10 years playing, if of course, if
fans are here, they're cheering for me. That they are motivate me to play better. But I don't have a problem in another city also. For me, it's okay. Maybe for some new player, for them is something new. But for me, after 20 years playing, that is very normal. Thank you. Okay.